इसके बाद हम चलते हैं अपने कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस फिलहाल जारी। अगर इसकी तारीफ की तरफ हम जाएं तो किसी भी काम का करना या होना मौजूदा जमाने में जारी हालत में पाया जाए उसको हम फिलहाल जारी कहते हैं। उर्दू के अंदर इसकी पहचान का तरीका यह है कि सेंटेंस के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हैं, है, ये या हूं, ये सैंपल है, ये पहचान है प्रेजेंट टेंस की। अब ये प्रेजेंट टेंस की कौन सी ब्रांच है वो हमें इससे पहले पता चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है से पहले ता था, ता है, ते हूं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब यहां पर है से पहले रहा आ रहा है तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस है, ये जारी हालत में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये इसकी पहचान है। इंग्लिश के अंदर इसको पहचान करने का तरीका क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर होता है प्लस आई एन जी वर्ब के साथ, फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा हो चुका होता है। ये इंग्लिश के अंदर इसको पहचान करने का तरीका है। अब इसको इस उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका वही सेम फॉर्मूला है जो एक सेंटेंस को इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करते वक्त होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट था, इसके बाद हमने वर्ब लगाना है प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है किसी भी टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट आएगा प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके बाद आपका वर्ब आएगा, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। असलम फुटबॉल खेल रहा है। अब ये जो है बता रहा है प्रेजेंट है, रहा बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास असलम है, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। ये तीन कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। इज लगता है आपके तमाम सिंगुलर के साथ जिसके अंदर ही, शी, इट या कोई भी नाउन आ जाए उसके साथ इज लगता है। एम आपका लग सकता है, लगता है आई के साथ। आर आपका इस्तेमाल होता है जितने